सो आजकल डिजिटल रुपी का बहुत चर्चा चल रहा है और आप लोग भी सोच रहे होंगे यार डिजिटल रुपी क्या है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल रुपी यूपीआई से कैसे डिफरेंस है और ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिफरेंस होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। और वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी के बारे में। व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्ट योर एक्सपेंसिव डिवाइसेस यू मस्ट इन्वेस्ट इन अ गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, वरना आपके पीसी का भी ये हाल हो सकता है। इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं यूज करता हूँ कैस्पर स्काई टोटल सिक्योरिटी। इसकी हेल्प से यू कैन प्रोटेक्ट नॉट ओनली योर फोन एज वेल एज यू कैन प्रोटेक्ट योर मैक एंड विंडोज लैपटॉप। साथ ही साथ इसके साथ आपको मिलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक पेमेंट गेटवेज की सिक्योरिटी, पासवर्ड प्रोटेक्शन, फाइल बैकअप, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। इसके साथ आपको मिलता है सेफ किट सर्विसेज एज वेल। डेफिनेटली रिकमेंडेड, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अभी के समय में यूपीआई काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे यूज करते हैं, मगर आने वाले वक्त में हम लोग डिजिटल करेंसी जो कि डिजिटल रुपी है उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। ये दोस्तों एक यूपीआई से डिफरेंस प्लेटफॉर्म रहने वाला है और ये कैसे वर्क करेगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा डीपली आज जानने वाले हैं। सो व्हाट इज डिजिटल रुपी? डिजिटल रुपी एक्चुअली है क्या? ये सारा सवाल तो हमारे दिल में आ ही रहा है दोस्तों, और खास तौर पे मेरे भी दिल में आया ही था जब मैंने पहली बार डिजिटल रुपी को सुना था। अब मैं बता दूं, डिजिटल रुपी एक रुपी है, मतलब कि जो एक्चुअल हमारा नोट होता है वही अमाउंट होने वाला है दोस्तों, लेकिन ये जो होने वाला है वो हार्ड कॉपी ना होके ये डिजिटल फॉर्म में होने वाला है। मतलब कि जब भी हम एक रुपए के नोट को हम किसी और को देते हैं तो हम उससे एक लीगल टेंडर साइन करते हैं कि भाई मैंने आरबीआई द्वारा साइन किया हुआ नोट, अप्रूव किया हुआ नोट उस दूसरे बंदे को दिया जो कि उसकी कुछ वैल्यू होने वाली है। तो ये ही सेम चीज होने वाला है दोस्तों डिजिटल रुपी में। डिजिटल रुपी में दोस्तों क्या होने वाला है ना, आपका जो एक्चुअल नोट होता है वो हो आपको फिजिकल फॉर्म में ना होके यार डिजिटली फॉर्म में होने वाला है। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन कर पाएंगे हाल ही फिलहाल आने वाले समय में। अभी गवर्नमेंट ने दोस्तों इसके दो फॉर्म को अनाउंस किया है, जो कि होने वाला है एक होलसेल और एक होने वाला है दोस्तों यहाँ पे रिटेल रुपी। अब 1 नवंबर से यहाँ पे गवर्नमेंट ने होलसेल रुपी का ट्रायल चालू कर दिया है, जो इसका पायलट फेज है वो चालू हो गया है। और इसकी मदद से आप लोग देख सकोगे कि आने वाले वक्त में हम लोग को डिजिटल रुपी को यूज करने को मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि भाई अगर ये इतना ही अच्छा है और आपको अगर डिजिटली ट्रांसफर आप कर सकते हो पैसे, तो क्यों ना हम यूपीआई को यूज कर ले, और क्या जरूरत थी यहाँ पे यूपीआई को छोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे आने की, और बाकी सारे वर्ल्ड के लीडर्स जो हैं दुनिया में अलग अलग देश जो है वो क्यों ट्राई कर रहे हैं अपना डिजिटल करेंसी बनाने का, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, ये जो डिजिटल करेंसी है ना, ये क्यों बेनिफिशियल है यूपीआई से, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो, यूपीआई से जब भी आप ट्रांसफर करते हो कोई भी चीज, तो आपका जब अमाउंट ट्रांसफर होता है, लाइक मैंने किसी वेंडर को 100 रुपए दिए यूपीआई ट्रांसफर किया, तो एक्चुअल में जो बैंक जो होता है ना वो दोस्तों ट्रांसफर करता है 100 रुपीज, और वो जो है वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं होता है, वो बस एक अमाउंट का टोकन चला जाता है। एक्चुअल जो अमाउंट है वो अभी तक उस बैंक से दूसरे बैंक में नहीं पहुंचा है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि यूपीआई में आपको जब भी आप ट्रांसफर करते हैं तो वो एक्चुअल जो यार अमाउंट है वो नहीं पहुंचा है अभी तक सिर्फ एक टोकन पहुंचा है। और बात करें डिजिटल करेंसी की, तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल जो होता है नोट यार जो भी बैंक ट्रांसफरिंग होता है वो यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा बचने वाली है। तो जब भी आप यूपीआई में ट्रांसफर करते हो एक बंदे से दूसरे बंदे में अमाउंट, तो ये बैंक ट्रांसफर होता है दोस्तों, बाद में बैंक एक्चुअल मनी को ट्रांसफर करता है, उसकी वजह से एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है जिसको बेयर करने में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पे जो डिजिटल करेंसी होने वाली है उसका बेनिफिट यही होने वाला है दोस्तों कि जो वर्चुअल फॉर्म में होने वाला है, आपका जो फिजिकल नोट होता है वही एक वर्चुअल फॉर्म में होने वाला है, और इसकी मदद से आप जब भी किसी को ट्रांसफर करोगे तो आप पे बैंक जो है वो बीच में नहीं आएगा। और बैंक न आने की वजह से क्या होगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसकी ज़्यादा नहीं होगी, आरबीआई खुद ही इसे गवर्न करेगा। अब ये जो डिजिटल करेंसी है दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे वर्क करने वाली है और इस पे बेस्ड होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहां से आपको काफी सारे ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने का बेनिफिट मिलने वाला है। इससे क्या होगा कि आरबीआई चेक कर सकता है कि आपने जितने पैसे ट्रांसफर किए वो सामने वाला बंदा कहां ट्रांसफरिंग कर रहा है, और सारी कुछ ट्रैकिंग हो सकती है और सब कुछ यहां पे मैनेज किया जाएगा आरबीआई की तरफ। अब अभी के सिनेरियो में यहां पे 9 बैंक्स को यहां पे अलाउ किया गया है जो कि ये ट्रांसफरिंग कर रहे हैं। अभी यहां पे होलसेल वाली ई रूपी जो है वो यहां पे टेस्टिंग में चल रही है, पायलट फेज में है, और यहां पे बैंक टू बैंक ट्रांसफर या फिर आरबीआई टू बैंक ट्रांसफर ये सारी चीजें अभी हो रही है, चेक की जा रही है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है,
है, इसको सब कुछ पायलट तरीके से टेस्ट किया जाएगा और फिर यहाँ पे धीमे धीमे रोल आउट किया जाएगा यूजर्स टू यूजर्स के लिए भी। बात करें तो यहाँ पे चाइना भी यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है। वहाँ पे 24 to 25 सिटीज में यहाँ पे चाइनीज युआन, डिजिटल युआन की तरफ यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है और यहाँ पे सब कुछ यूजर टू यूजर वहाँ पे होने लगा है। तो वो लोग अभी थोड़ा एडवांस चले गए हैं। यूएसए फिर भी अभी थिंकिंग में है कैसे इसे डेवलप करे और इंडिया थोड़ा सा अहेड हो गया है चाइना के बाद। तो यहाँ पे इंडिया को एक बिग अपॉर्चुनिटी है डिजिटलाइज होने का और डिजिटल करेंसी को कन्वर्ट कर लेने का। अब बात करें इसकी क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे ये है दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी देखो आप जानते हो कि आपका ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब कि कोई भी इसे गवर्न नहीं करता है, कंट्रोल भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे डिजिटल करेंसी जो होने वाली है, जो इंडिया की डिजिटल रुपी होने वाले, इसे RBI गवर्न करेगा और इसकी कुछ वैल्यूज होने वाली है जो कि टाइम टू टाइम घटती नहीं रहेगी दोस्तों, एक फिक्स्ड वैल्यू बनाई जाएगी। और जो मतलब क्रिप्टो में जैसे अचानक से कोई गिरावट हो जाती है, यार देख सकते हैं आप लोग 60,000 to 20,000 पहुंच जाती है। सो आई होप आपको डिजिटल करेंसी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी और ये चैनल आपको नॉलेज तो पहुंचाता ही पहुंचाता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करेगा ताकि हम ऐसे कंटेंट और भी लोगों तक पहुंचाते रहे फ्यूचर में भी। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।